आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम अपने गार्डन को सर्दियों वाली सब्जियों के लिए अभी मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो सारे ये ग्रो बैग्स हैं अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं। यहाँ पर जो हमारे लकड़ी वाले स्टैंड्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमने इनको ऐसे उठाकर धूप लगाई है, क्योंकि जब ये हमेशा नीचे रहेंगे तो थोड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमने ये लकड़ी वाले स्टैंड्स बनवाए थे। इसके ऊपर भी हमारी अलग से वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो चेंज है वो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो हम अपने गार्डन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप देखिए, यहाँ हमारे पास जो यह वाली क्यारी है, इसमें हमने पिछले साल यहाँ प्याज लगाए थे, पर यहाँ पर सर्दियों में पर्याप्त धूप ना आने की वजह से वो प्याज अच्छे तरीके से नहीं हो पाए थे, क्योंकि प्याज को धूप चाहिए होती है। तो थोड़ा सा चेंज हम क्या करने वाले हैं कि आप हमारी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इन स्टैंड्स पर ग्रो बैग्स रखे थे, उनमें बैंगन टमाटर वगैरह लगाए थे। तो चेंज हम इतना कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ये क्यारियाँ हैं दोस्तों, हमारे पास एक क्यारी यहाँ पर है, इसके बाद अगले वाली क्यारी आप देखिए हमारे पास यहाँ पर है। तो इन दोनों ही क्यारियों को हम यहाँ से उठाकर, क्योंकि यहाँ भी सर्दियों में धूप कम आती है, इनको हम उस जगह पर रखने वाले हैं। तो दोस्तों, साथ साथ में आपको टेरेस गार्डनिंग के ऊपर टिप्स भी बताते चलेंगे और आज ये काम भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप छत पर गार्डन बना रहे हैं तो नेचुरली ही आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको खूबसूरत और ऐसा बनाने के लिए कि आपको सब्जियां वगैरह जो ज़्यादा मात्रा में मिलती रहें। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी हमने छत पर गार्डनिंग करनी होती है तो वेट का और सीलन का ध्यान रखना होता है। तो सीलन के लिए क्या हम करने वाले हैं कि जहाँ पर हमने यहाँ क्यारियाँ बड़े वाली रखनी है, तो हम उसके नीचे जो है थर्माकोल रखेंगे। थर्माकोल का ये बेनिफिट होता है कि इससे नीचे जो है वो सीलन नहीं जाएगी, ये आपकी छत को एक सेफ्टी दे देगा। तो पहले हम थर्माकोल यहाँ पर बिछा देंगे, उसके बाद इसके ऊपर वो क्यारियाँ हम रखेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे थर्माकोल लगा देंगे, जो 3x8 की क्यारी है दोस्तों, वो इन थर्माकोल पर आसानी से आ जाती है, क्योंकि 3 फीट के करीब ही ये थर्माकोल होता है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो क्यारियाँ रखने के बाद आपको यह भी बताएंगे कि आपने क्यारी को कैसे फिल करना है, जिससे कि आपकी छत पर वज़न कम पड़े। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम इन क्यारियों को दीवार के दोस्तों तरफ ही रखने वाले हैं, ना कि हम ऐसे छत के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होगा तो दीवार के साथ अगर हम यहाँ इस स्लैब पर वज़न डालेंगे तो इससे आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसा करेंगे कि इस क्यारी में मिट्टी डालने से पहले इसको हम सूखे पत्तों से भर देंगे। देखिए, आपके गार्डन से भी सूखे पत्ते निकल आते हैं। ये हमारा
हमने जो गन्ने लगा रखे हैं अपनी छत पर, ये दोस्तों उनसे निकले हैं, तो इन पत्तों को हम नीचे डाल देंगे। देखिए इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो इन पत्तों से इसमें मिट्टी कम पड़ेगी, और दूसरा क्या होगा, धीरे धीरे ये कंपोस्ट में बदल कर फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। बढ़िया सा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा जिससे कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और उस पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी। अब दोस्तों बारी आती है मिट्टी डालने की। दोस्तों ये जो मिट्टी हम इस क्यारी में डाल रहे हैं, इसकी मैं रेशो आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने 50% मिट्टी ली है, 30% हमने सूखे पत्तों को मसल कर इसमें डाला है। अगर आप सूखे पत्ते मसल कर नहीं डालना चाहते तो आप कोकोपीट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर हमारी डिटेल्ड वीडियो है, जो कि आप इसी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाकी का 20% हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या सूखा गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इनमें से कोई एक चीज़ का ही इस्तेमाल करना है। सो 50-30-20 की रेशो से आपका बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर इन क्यारियों को रख लिया है, ज़्यादा धूप यहाँ पर पड़ती जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, चलते चलते मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पर आप देखिए ऐसी सीमेंटेड क्यारियाँ भी हैं जिनमें यहाँ देखिए आप हमने भिंडियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पर ऐसे ही सीमेंटेड क्यारियों में हमने बैंगन लगा रखे हैं। आप फ्रूटिंग देख सकते हैं इन पर, कितनी फ्रूटिंग जो है वो आई हुई है। तो दोस्तों आज हम यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। अगला काम जो है हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ का सेटअप कैसे करते हैं, कौन सी सब्जियाँ आपने सर्दियों के लिए लगानी है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, हंसते रहें, आबाद रहें।